गुड मॉर्निंग इंडिया, वेलकम टू कासन स्टडी। तो जैसा कि मित्रों, हम ये बायोलॉजी का तीसरा वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। विशेष तौर पर ये आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। तो मित्रों, हम चलते हैं सीधे आज के क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, होयल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? होयल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो यहाँ पर मित्रों, मेरा आंसर क्या होगा? मित्रों, हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, जो 5 सेकंड में आप अपना आंसर बताएं, जो है कमेंट बॉक्स में मैं बताएं या चैट करके बताएं। तो मित्रों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, होयल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मित्रों यहाँ पर जैसा कि होयल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। होयल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा क्या होगा? हाँ मित्रों, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, कोलकाता सही है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ पर हमारा कोलकाता आंसर सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणु के कारण होता है? इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मित्रों जल्दी जल्दी आंसर बताने का प्रयास करें। हाँ मित्रों, इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए सही है, गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग ये पादप रोग जीवाणुओं के कारण होता है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? मित्रों इसका भी आंसर बताएं, यहाँ पर हमारे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर बीज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बीज। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बीज वाला ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन एक बार मित्रों फिर से देखिए, प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बताने का प्रयास करें। तो मित्रों जैसा कि यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा जरज। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जरज। तो प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियाँ की का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? जरज। यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एगमार्क क्या है? एगमार्क क्या है? तो यहाँ पर मित्रों जैसा कि हमारा सही आंसर इसमें पहले से लिख टिक है, तो यहाँ पर हमारा इसमें एक ही आंसर है, ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, प्रयोग करने वाली वस्तुएं जैसे अंडे, दूध, घी आदि का क्वालिटी गारंटी की मोहर एगमार्क होता है। तो एगमार्क क्या है मित्रों? तो यहाँ पर जैसे दूध, घी आदि ये जो क्वालिटी वाली मोहरें होती हैं, ये जो प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं होती हैं, यही होती हैं। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मिर्गी की औषध किस लाइकेन से होती है? मिर्गी की औषध किस लाइकेन से होती है? तो यहाँ पर मित्रों हमारा सही ऑप्शन क्या, कौन सा सही है बताने का प्रयास करें। तो मित्रों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मित्रों? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा परमेलिया। परमेलिया हमारी यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। जो लाइकेन होता है, लाइकेन कौन सा लाइकेन है? परमेलिया लाइकेन है। मिर्गी की औषध के लिए किस लाइकेन का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन कौन सा है? वो ऑप्शन है परमेलिया। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मनुष्य के शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो यहाँ पर मित्रों जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? दंतवलक। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दंतवलक हो जाएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित में
तैयार किया गया। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका निम्नलिखित ने तैयार किया था, तो किसने तैयार किया था? इसका मतलब ये है कि पोलियो का पहला टीका सबसे पहले किसने खोजा था? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आंसर जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करें जिससे हम काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। हम टोटल 40 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, 40 क्वेश्चन आपको आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। ये 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो रहेगा, इसमें हम 40 क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो जैसा कि पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था, तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है। जोनाल्स ईसाक ने जो है पोलियो के टीका को तैयार किया था। हम क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ पर जमा होता है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पित्ताशय। क्या हो जाएगा? पित्ताशय। पित्त जो होता है पित्ताशय में जमा होता है। और कहाँ से निकलता है? अगर निकलने की बात कहेगी तो यकृत होता है। और प्लीहा को क्या कहते हैं? प्लीहा को जो है कब्रिस्तान कहते हैं। प्लीहा को क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं, जो जहाँ पर सेल्स क्या होते हैं जाकर के एक्सपायर होते हैं। तो मित्रों जैसा कि हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो जैसा कि मित्रों मानव शरीर के किस अंग को रक्त आरक्षण कहा जाता है, तो वह अंग कौन सा होता है जिसे हम तिल्ली कहते हैं या स्प्लीन कहते हैं या फिर उसे क्या कहते हैं? प्लीहा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्प्लीन वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं? किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? मित्रों आप क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे होते हैं? बीज जो होते हैं नग्न रूप में पौधों से लगे होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। उसे क्या कहते हैं? तो उसे जिम्नोस्पर्म कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, मधुमक्खी का डंक कैसा रूपांतरण है? तो मधुमक्खी का जो डंक होता है तो वो जो है अंड निक्षेपक होता है। वो कैसा होता है? अंड निक्षेपक होता है। आइए हम कोई ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तारपीन प्राप्त किया जाता है, तारपीन किससे प्राप्त किया जाता है मित्रों? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तारपीन जो होती है वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तारपीन प्राप्त किया जाता है किससे? ये जो है चीड़ का एक पौधा होता है, उसी से प्राप्त किया जाता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु क्वथनांक जो होता है बढ़ जाता है। मित्रों यहाँ पर प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उसका क्वथनांक कैसा होता है? क्योंकि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में जल का जो क्वथनांक होता है वो कैसा होता है? बढ़ जाता है, इसलिए खाना क्या होता है? जल्दी पक जाता है। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? संवाहिनी पौधों में पानी ऊपर किससे जमा जाता है? संवाहिनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, किसके द्वारा जाता है? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जाइलम टिश्यू होता है। तो मित्रों कोई भी पेड़ पौधा होता है, पानी जो है जड़ों से जो ऊपर जाते हैं पत्तियों तक पौधे पानी जाते हैं, वो किसके द्वारा जाते हैं? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा जाते हैं। प्रत्येक पौधों में जाइलम टिश्यू होते हैं, उसी के द्वारा पानी जो है ऊपर के साइड में जाते हैं। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कुछ पादप निषेचन के बिना
फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है मित्रों? तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। जिन्हें अनिषेक फलन कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें अभिषेक फलन कहते हैं, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन करते हैं, इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशोषी अंग नहीं है, मनुष्यों का अवशोषी अंग कौन सा नहीं है? तो मित्रों जैसा कि यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवशोषी अंग जो है कौन सा नहीं है, तो सामने वाले जो चपटे दांत होते हैं वो अवशोषी अंग नहीं होते हैं, बाकी इसमें जितने भी ऑप्शन हैं सब अवशोषी अंग होते हैं। तो मित्रों हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, कपड़े के स्याही और जंग के धब्बे को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जैसा कि यहाँ पर हमारा केवल एक ही आंसर है, वही ऑप्शन है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो कपड़े से स्याही और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईथर सही हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, डायनासोर थे तो डायनासोर को जो है क्या कहते हैं? तो जैसा कि यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो हमारे इसमें सही ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, उसे जो है मेसोजोइक सरसृप कहते हैं। ये सरसृप वर्ग के होते हैं, ये किस वर्ग के होते हैं, तो ये सरसृप वर्ग के होते हैं, इनका नाम क्या होता है, मेसोजोइक सरसृप होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है मित्रों? तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, एंटीबॉडीज का निर्माण जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक सही है, जो है लिम्फोसाइट से होता है, एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट से होता है। मित्रों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, अर्थात पक्षियों का अध्ययन किनके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है? तो इनका जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, आर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है, तो आर्निथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आर्थिनियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्थिनियोलॉजी कहते हैं। तो जैसा कि मित्रों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में अस्थाई कृंतकों की कुल संख्या कितनी होती है, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में अस्थाई कृंतकों की कुल संख्या कितनी होती है? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में अस्थाई कृंत दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर मित्रों हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब कोई दांत कृंतकों की कुल संख्या, मतलब मवेशियों में जो ऊपर वाले जबड़े होते हैं उसमें जो है कृंतकों की संख्या नहीं पाई जाती है, अर्थात शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यहाँ पर मित्रों जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा किसके द्वारा पैदा किया जाता है, तो यहाँ पर मित्रों हमारा सही आंसर हो जाएगा यकृत के द्वारा। पित्त जो है यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है और पित्ताशय में जाकर के कलेक्ट हो जाती है। पित्ताशय में क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है मित्रों, तो लार में जो है हमारा यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाइलिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मित्रों क्वेश्चन नंबर हम 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कह रहा है, हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है, हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है मित्रों? तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन किसका घटक होता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर बताने का प्रयास करें, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी का घटक होता है। किसका घटक होता है, आरबीसी का घटक होता है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या कह रहा है, एनोस्मिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे चारों ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है,
एनोस्मिया कहते हैं। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। घ्राण संवेदना की कमी को जो है एनोस्मिया कहते हैं क्या। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर हम 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा क्या कह रहा है, अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोजुमा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मित्रों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या सही हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उसे एसिमिलेशन कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोजुमा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, एसिमिलेशन कहते हैं। अवशोषित भोज्य पदार्थों को प्रोटोज प्लाज्मा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एसिमिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 29 पर चलते हैं। तो मनुष्य के शरीर का सबसे बाहरी झिल्ली होती है, मनुष्य के शरीर का सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ड्यूरामीटर होता है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसको हम ड्यूरामीटर कहते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, चमड़ा निकाला जाता है, चमड़ा किसके द्वारा निकाला जाता है मित्रों। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, जो चमड़ा होता है वो सिर्फ चर्म से निकाला जाता है, चमड़ा निकाला जाता है, तो चमड़ा सिर्फ चर्म से निकाला जाता है। तो मित्रों हम क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कह रहा है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का क्या अर्थ है, डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर मित्रों हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें जैसा कि जो है ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन का अर्थ क्या है, तो कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी होता है। हम क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, कौन सा जीवाणु मानव की आंत में पाया जाता है। तो मित्रों यहां पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी इसका आंसर बताने का प्रयास करें, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। तो यहाँ पर मित्रों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, एसरिसिया कोलाई होता है, एसरिसिया कोलाई ये जो होता है ये मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु होता है। हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि गोबर छता किसके अंतर्गत आता है, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मित्रों हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा कि गोबर छता किसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा सही है, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसे क्या कहते हैं, तो उसे मृत जीवी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे मृत जीवी कहते हैं। हम अब क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा होता है, मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है। तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जैसा कि चारों ऑप्शन दिए गए हैं और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मित्रों यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो लौंग हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लौंग यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां होती हैं, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां होती हैं। तो यहां पर मित्रों हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डियां होती हैं वो कैसी होती हैं, वो खोखली हड्डियां होती हैं, वो कैसी हड्डियां होती हैं, खोखली हड्डियां होती हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, वॉशिंग मशीन की कार्य सिद्धांत किस पर आधारित होता है, जो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत होता है वो किस पर आधारित होता है। तो यहाँ पर मित्रों जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन होती है वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो किस पर कार्य करता है, तो वो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। वॉशिंग मशीन किस पर कार्य करता है, तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है,
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यहाँ पर जैसा कि एक ही ऑप्शन है तो यही ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर जो पिट्यूटरी है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 हमारा क्या कह रहा है? कवकों की कोशिका किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका होती है किस भित्त की बनी होती है? तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा मित्रों? तो कवकों की जो कोशिका होती है किसकी बनी होती है? तो वो मित्रों के यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो काइटिन और हेमिसेलुलोज की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्त बनी होती है तो किसकी बनी होती है? वो काइटिन व हेमिसेलुलोज की बनी होती है। अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं, 39 पर सॉरी, क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा क्या कह रहा है? निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? निम्न में से वह कौन सा अंग है जो मानव की शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखता है? तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा कर रखती है? तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो मित्रों अगर आप ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब तथा लाइक ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। तो मित्रों हम जैसा कि क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 और ये आखिरी क्वेश्चन है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है मित्रों? तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। सबसे छोटी जीवित कोशिका जो होती है वो कवक द्रव्य की कोशिका होती है। कवक द्रव्य की कोशिका होती है। तो मित्रों अब हम अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।